सो गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम किंगल। तो रात हम पहुंच चुके थे यहाँ किंगल में, जो नारकंडा से थोड़ा पड़ता है नीचे की साइड में। सो क्योंकि आज हमें जाना है आगे नाखों के लिए, तो इसी के लिए रास्ता जाता है ऊपर। नाखों जो नारकंडा है वो पड़ता है आपका लगभग 15 किलोमीटर ऊपर। तो ऊपर हम इसी लिए नहीं गए कि कल हमें इसी हाईवे से नीचे जाना है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा होटल रूम है। ऊपर जो विंडो खुली हुई है वो हमारा रूम है, और ये हमारा होटल। और ये जो सामने में आप देख पा रहे होंगे ये जो रोड है, इसी से हमें अभी आगे नाखू जाना है। तो इसलिए हम आगे नारकंडा नहीं निकले, क्योंकि आते हुए तो हमें नारकंडा जाना ही है। सो आज है हमारी राइड का day 4। अब ये है कि हमारी सही महीने में राइड आज से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हम पहले लद्दाख का प्लान लेके गए मनाली। वहाँ पे आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था, हम नहीं जा पाए। उसके बाद हम उस साइड से काजा नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ पे भी रूट अब क्लोज हो चुके हैं नवंबर में। सो अब प्लान ये है कि हम यहाँ से जाएंगे नाखू वाया चितकुल, और फिर आगे देखते हैं। अगर आगे पहुंच पाए तो ठीक, वर अदरवाइज़ आज का स्टे जो है आज हम चितकुल में या नाखू में ही कर लेंगे। देखते हैं कहां तक पहुंच पाएंगे। और ये पीछे में बाइक्स हमारी लगी हुई हैं सारी की सारी। हेलो गाइस, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आरओ रेजिडेंसी। तो ये मेरी बाइक है भाई की, और ये जो हमें भाई मिले हैं महाराष्ट्र से, उनकी बाइक है। और ये पूरी वो प्रॉपर्टी जहाँ पे हमने रूम लिया हुआ है, तो काफ़ी सही प्रॉपर्टी है, देखने में काफ़ी अच्छी है। और ये सामने में हाईवे, सो दोस्तों चलो करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत और निकलते हैं यहाँ से। अभी फटाफट ऊपर जाके सामान सारा पैक करना है, अभी तो हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया। तो चलते हैं ऊपर और करते हैं सारा सामान पैक, मिलते हैं आपको फिर बाइक पे। सो दोस्तों ये वो हमारा रूम है जो हमने लिया हुआ है। आपको एक बार रूम भी मैं दिखा देता हूँ। सो ये वो रूम है, ये यहाँ का टॉयलेट। ये वो इंसान जो मेरे साथ आया था। और ये हमारा सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये विंडो से नीचे का व्यू, वो हमारी बाइक खड़ी हुई है, वो गणेश भाई अपने बाइक का सामान पैक कर रहे हैं। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं, हम यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं 10:13 पे। और यहाँ से जाएंगे पहले चितकुल, फिर चितकुल से फ्री जितना जल्दी होंगे तब निकलेंगे आगे नाखों के लिए। चितकुल है लगभग यहाँ से 144 किलोमीटर के आसपास। तो दोस्तों ये वो रास्ता है जिससे हम रात आए थे और मुड़ गए थे राइट साइड के लिए, बट हमें जाना था लेफ्ट साइड। बट आगे पता नहीं रूम मिलता या नहीं, इस वजह से हमने इधर रास्ता ले लिया था। तो इस रूट से हम आए थे, अब हम जा रहे हैं आगे सीधा जो जाएगा नाखों होते हुए काजा, और बीच में पड़ेगा करचम के बाद चितकुल। सो पहले जाएंगे चितकुल, उसके बाद जाएंगे आगे नाखों अगर टाइम बचता है तो। सो वो लोग रह गए पीछे, अभी देखते हैं 2 मीटर के कितना टाइम लगेगा। आ गए वो, तो इतना मैं आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ से आगे पड़ता है कोरिक पू, तो रास्ते में ही पड़ेगा, 180 किलोमीटर है। और ये क्या है भाकड़ी, सो ये सब रास्ते में पड़ेगा। पू यहाँ से 180 किलोमीटर है, और जो हमारी आज की डेस्टिनेशन है अगर हम नाखू बताऊँ तो लगभग पड़ेगा 303 किलोमीटर के आसपास। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। जो माउंटेंस का रास्ता होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, अगर स्ट्रेट हाईवे है वो 303 के आप 600 भी कर सकते हो।
माउंटेन में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि थोड़े कर्व्स होते हैं, ट्रैफिक भी है, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो दोस्तों कुछ दूर चलते ही थोड़ा आगे बढ़ते ही रास्ता आ गया कुछ ऐसा, और मैं GoPro का एंगल चेंज नहीं कर पाया। ये अभी लीनियर मोड में रिकॉर्ड कर रहा है, मुझे इसे सुपर वाइड पे डालना है। उसके लिए मुझे रुकना पड़ेगा साइड में एक जगह, एक सेकंड, यहाँ पे रुकते हैं। सो एक सेकंड में GoPro का एंगल जो है वो चेंज कर लेता हूँ। सो ये आया सुपर व्यू मोड, अब चलते हैं आगे। रास्ता कुछ ख़राब हो गया बीच में, और कितनी ख़तरनाक तरीके से कंस्ट्रक्शंस जो है वो यहाँ पे चल रही है। शायद से कोई डैम प्लांट बना रहे हैं ये लोग। क्या बना रहे हैं? डैम उधर से डाइवर्ट कर दिया इन्होंने पानी, है ना। चलो चले, तो चलते हैं दोस्तों आगे। मंजिल है थोड़ी दूर। फुल कर दो, फुल कर दो। अभी आएगा, और आएगा। सुनो दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लिया था। पहले ये जो रेलिंग है यहाँ पे नहीं थी, हम अंदर तक बाइक ले जा सकते थे, पर इस बार इन्होंने बंद कर दिया। तो मैंने रील रिकॉर्ड करनी थी बट नहीं हो पाई, सो इट्स ओके। तो दोस्तों ये है किन्नौर गेट। अभी यहाँ पे रुक के हमने कुछ फ़ोटो वीडियोस निकाली जो आपको देखने को मिलेगी इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की आईडी नीचे स्क्रीन पे आ रही है, जल्दी से जाके फॉलो करें। सो अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे, और टाइम हो चुका है 1:00 यानी कि 2:00 हैं पूरे। सो निकलते हैं अब आगे। तो भाई लोग, ये है किन्नौर वाली रोड जो साच पास और किल्लर किस्तवार के पहले वर्ल्ड डेंजरस रोड में आती है। और एक बार देखो आप इस रोड का व्यू, लगती भी है थोड़ी डेंजरस टाइप की, मतलब जो पहाड़ है वो ऊपर से कर्व है, जिनका टूटने का डर हर समय बना रहता है। एक खतरनाक रोड। सो भाई लोग, यहाँ से सीधा जाओगे तो आएगा कादा, और इस ब्रिज से उधर होके जाओगे तो आएगा चितकुल। सो अभी
गणेश भाई पीछे रह गए, उनका वेट हो रहा है, वो आएंगे तो हम जाएंगे चितकुल के लिए। और वापसी अगर हमें मतलब वापसी हमें आना ही है वैसे तो काजा के लिए, तो हमें वापसी से यहीं से जाना पड़ेगा सीधा। और जो चितकुल है वो यहाँ से है लगभग 42 किलोमीटर के आसपास। सो 42 जाएंगे, 42 वापसी आएंगे, फिर निकलेंगे आगे नाको के लिए। नाको या काजा तो नहीं जा पाएंगे अब क्योंकि टाइम ज़्यादा है। सो वैसे भी हमारी आज की जो डेस्टिनेशन है वो नाको ही है। सो गणेश भाई भी आ गए हैं, अभी उनकी चेकिंग होगी पीछे में। सो आ जाइए आ जाइए, ब्रिज क्रॉस करना है हाँ चितकुल के लिए। सो चलते हैं चितकुल के लिए अब। ये रक्षम डैम है जो आप इधर में देख पा रहे हैं। पूछना पड़ेगा चितकुल किधर है, चितकुल इधर के। सो ये है चितकुल का जो बिल गेट। चितकुल 41 रक्षम 30। सो दोस्तों मेरे सामने जो जा रहा है टेम्पो ट्रेवलर, इसमें कोई गॉड है या आपने रील्स में इंस्टाग्राम रील्स पे या कहीं ना कहीं देखा होगा ये इनके कुछ मतलब जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके कोई गॉड है। आई एम नॉट रियली श्योर कि क्या है क्या नाम है बट तो दोस्तों चितकुल वाले रास्ते में पड़ता है ये एक और डैम जिसका भी शायद बंद है ये, क्योंकि बहुत ही कम पानी इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखो एक बार कुछ स्टेयर्स बना के उन्होंने डिजाइन सा बनाया हुआ है इसका कुछ। सो दोस्तों पहुंच चुके हैं चितकुल और टाइम हो चुका है 5:13 और यहाँ का व्यू है कुछ ऐसा। चितकुल जो है इंडिया का लास्ट विलेज है, इसके बाद जो तिब्बत बॉर्डर लगता है। और यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो है 11,320 फीट का। और ठंड महसूस हो भी रही है, सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है बट ठंड महसूस हो रही है। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि चितकुल आने का जो रास्ता है ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है भाई, रास्ते की इतना ज़्यादा ऑफ रोड है कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि मतलब कभी कभी कि आज मुझे लगा कि कोकसर टू काजा वाला जो रूट है वो उससे ज़्यादा बेहतर है। ऐसा है नहीं बट इतना ज़्यादा गलत रास्ता, गलत से मेरा मतलब है कि इतना ज़्यादा ऑफ रोड, इतना ज़्यादा टूटा हुआ रास्ता है ना कि बहुत ज़्यादा। बट बी पॉजिटिव, हम 5:15 चितकुल पहुँच गए। अब आगे जाते हैं, देखते हैं आगे चितकुल में क्या है। वैसे जितना मैंने सुना है यहाँ पे तिब्बत का बॉर्डर है तो बॉर्डर तक जाने के लिए अलाउड करेंगे या करेंगे तो क्या फ़ोटो वीडियो अलाउड करेंगे नहीं करेंगे वो सब देखना है। सो अभी वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ निकालते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। इंस्टा की आईडी नीचे डिस्प्ले पे आ रही है, आप जल्दी से जाके वहाँ पे फॉलो कर लो। सो चलते हैं अभी आगे, इनको फ़ोटो निकाल लेने दो। तो दोस्तों पहुँचे हम चितकुल, यहाँ आप देख सकते हो चितकुल द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया।
और इसका एल्टीट्यूड है 11,320 फीट। सो अंधेरा काफ़ी होने लगा है, तो अभी क्या करते हैं जल्दी से ना आगे निकलते हैं और फिर गोप्रो में माइक से बात करेंगे। सो चलते हैं अभी। यहाँ पर गाँव है खाली ना, इसे आगे कुछ घूमने का नहीं, यहाँ से आगे नहीं, पीछे जो गांव है, गांव में कुछ एक्स्ट्रा मतलब और भी कुछ है घूमने का? नहीं वो तो हमें पता नहीं क्या है। अच्छा नहीं पहुँचे वापस। सो दोस्तों ये है चितकुल का लास्ट, इसके बाद है मतलब जो ये चितकुल है इसके बाद आर्मी डिफेंस एरिया है, तो उसके लिए आगे जाने के लिए दिल्ली से परमिशन मिलती है, वो भी उन लोगों को जो आगे माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं, सिर्फ उनके लिए, अदरवाइज़ बस ये चितकुल का लास्ट है। यहाँ से भी जो बॉर्डर है वो लगभग 40-45 किलोमीटर के बाद है, और उससे एक पहले एक और बॉर्डर है, वो एक्चुअली बता रहे थे, समझ में नहीं आया क्या बोला उन्होंने, बट वो बता रहे थे कि जो माउंटेन्स क्लाइंबिंग के लिए सिर्फ उनको अलाउड है आगे जाना, और उसके लिए भी एक स्पेशल टाइप की परमिशन चाहिए जो दिल्ली से मिलेगी। सो हमें वैसे आगे कुछ ऐसा नहीं चाहिए था, हमें यहीं तक आना था, तो हमने सिर्फ चितकुल यहीं तक कवर करना था, तो हमने किया। सो बहुत मेहनत लगी यार चितकुल तक आने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई, आधे से ज़्यादा दिन मेरा चितकुल में चला गया। आज सोच रहे थे कि नाखू तक चले जाएंगे, अब देखते हैं वैसे कहाँ तक जा पाएंगे, क्योंकि 6:50 हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज मेहनत लग गई यार चितकुल तक करने में, इतना ज़्यादा ऑफ रोड था रास्ते में, इतना ज़्यादा गंदा रास्ता कि बस क्या बताऊँ। सो दोस्तों अभी हम वापसी रिटर्न कर रहे हैं, नीचे जहाँ से हम नाको वाले रास्ते से अंदर मुड़े थे चितकुल के लिए, तो वहाँ तक सेम रास्ता है, तो मिलता हूँ आपको वहीं पे जाके। सो चितकुल में लेट होने के बाद हम जा नहीं पाए वापसी, तो हमने क्या डिसाइड किया ना, क्योंकि रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उसके बाद फिर अंधेरा, रास्ते में कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं है, तो हमने लास्टली ये डिसाइड किया कि हम चितकुल में ही आज स्टे कर लेंगे, जो कि हमें सेफ भी लगा। और तो हमने फिर यहाँ पे खाना वाना अपना खा लिया है और रूम भी ले लिया, तो सामान सारा हमने वहाँ पे रख दिया, और अभी हम निकले हुए हैं जो लोकल चितकुल विलेज है उसे घूमने के लिए। सो चितकुल घूमने के विलेज जो है वो घूमने के लिए निकले थे, और हमें रास्ते में मिला ये कोई मतलब घर है, एक वुडन का, और इसमें कुछ अलग टाइप का ही लॉक जो मतलब पुराने टाइम में यहाँ यूज़ होते होंगे, इसमें कुछ ऊपर से चाबी वाबी लगती होगी, तो बहुत पुराने टाइप के हैं। सो दोस्तों टाइम हो चुका है लगभग 11:54 रात के, सो बस अभी डेटा वेटा अपना कॉपी कर रहा था ड्रोन का, GoPro DSLR वगैरह का, तो मेरे याद आया कि आज तो वीडियो एंड नहीं की। सो अभी मैं हूँ चितकुल में ही, जी हाँ, उसके बाद हमने मैंने जो अभी आपने वीडियो देखी उसके बाद हमने यहाँ चितकुल में ही रूम ले लिया, उसका रीज़न ये रहा कि सो कुछ लोग हमें नीचे से आने वाले मिले, उन्होंने बताया कि उन्होंने ना रास्ते में स्नो लेपर्ड वगैरह देखे हैं, तो अंधेरा इतना हो गया था तो हमने नीचे जाना सही नहीं समझा, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया कि यहीं चितकुल में रूम ले लिया। तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन है यहाँ का, अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखो कितना है करंटली -8, ये देखा एक बारी -8 टेम्परेचर है अभी यहाँ का चितकुल का, बट दारचा के कंपैरिजन में इतना फील नहीं हो रहा है, -8 है, इवन वहाँ पे -12 था, बट वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सो अभी हमने यहाँ पे रूम ले लिया, तो यहीं पे आज स्टे करेंगे, कल निकलेंगे नाको टाबो होते हुए काजा के लिए, अब कल भी यही ट्राई किया था, आज भी कोशिश थी हमारी कि नाको पहुँच जाएँ, बट ये जो चितकुल वाला रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब रोड कंडीशन है कि हमें लगभग 42 किलोमीटर है नीचे जो आपका पड़ता है रक्सम से, चितकुल का जो बीच का डिस्टेंस है वो है 42 किलोमीटर, बट हमें इतना टाइम लगे, लगभग कितना टाइम लगा हमें आने में,
4 से 5 घंटे लगे ना, 5.5 से 6 घंटे, साढ़े पाँच से छः घंटे में इस 42 किलोमीटर को कवर करने में लगे। मतलब रास्ते में छोटा छोटा पैच जैसे ख़राब होता है ऐसे छोटा छोटा सही है, बाकी लगभग 42 किलोमीटर और इतनी कम, मतलब बहुत नैरो रोड है, एक बारी में बस एक कार निकल सकती है वो भी छोटे वाली, तो इतनी ज़्यादा रोड कंडीशन ख़राब है इस वजह से हमें इतना टाइम लगा। बाकी जब एक चीज़ और हमारे साथ हुई, जब हम अभी ITBP का जो बॉर्डर था वहाँ से वापसी आए, उसके बाद हमने आके डिनर किया, डिनर क्या मतलब हमने सुबह बस लंच किया था, उसके बाद आज हम बीच में खाना नहीं खा पाए, तो हमने रात में थोड़ा फास्ट फूड वगैरह अपना खा लिया। सो उसके बाद हमने जब रूम लिया तो अपना जो लगेज उतार रहे थे वो हमने रूम में रख रहे थे, तो तभी गणेश भाई को याद आया उनका लैपटॉप वाला बैग, वो रह गया पीछे जहाँ अभी हमने चितकुल जो बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पे हम फोटो वोटो ले रहे थे, तो उनका जो लैपटॉप वाला बैग है वो वहीं पे रह गया। तो अभी जब हम लगेज उतारे तब हमें याद आया, लगभग 1 से 2 घंटे बाद हमने लगेज फटाफट से रूम में रखा और मैं और गणेश भाई उनकी रॉयल एनफील्ड हिमालयन पे गए भागे भागे, लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे वो पॉइंट था, तो वापसी गई। खैर शुक्र है कि वो बैग हमें वहीं पे मिल गया, बट एक बार के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि देखो यार हर किसी का कंटेंट क्रिएटर है ये भी, तो वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो मुझे बाद में बताए थे कि 12 मंथ्स की उनकी मेहनत है जो उस लैपटॉप में पड़ी हुई है, और इस राइड का भी इनका जो डेटा है सारा उसी लैपटॉप में है। सो देखो मैं हूँ ये हैं या कोई भी हो, हर बंदा मेहनत करता है, अगर किसी भी रीज़न से ऐसा कुछ इंसिडेंस हो तो थोड़ा बुरा लगता है, तो वो हम दोनों खैर गए सेफली, हमारा सामान मिल गया, उसके बाद वापस आ गए, हमने चाय वाय पी और फिर रूम में आ गए। आगे हम थोड़ा सा विलेज में घूमने के लिए भी गए थे, बट क्या है कि रूम अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया कि कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं, मैंने छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं वो मैं या तो डाल चुका हूँगा या आगे डाल दूंगा, तो वो आप देख लेना, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और विलेज में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, एक पोस्ट ऑफिस है जो आप कह सकते हो कि इधर साइड का लास्ट पोस्ट ऑफिस है जो कि यहाँ चितकुल में है। अगर कल हमारे यहाँ निकलने से पहले ओपन हो गया तो कोशिश करेंगे कुछ पोस्ट वगैरह घर पे करने की, या जैसे भी रहेगा। सो बस यही है कि यार देखो हर बंदा मेहनत कर रहा है, और आज Day 4 में मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत हुई। देखो थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिसअपॉइंटेड हुआ, मैं घर से सहारनपुर से मनाली गया, वहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ कि लद्दाख नहीं हो पाया ना उमलिंग ला हो पाया, बट चलो मैंने सोचा कि चलो वहाँ उधर से स्पीति कर लेते हैं, बट वो उधर क्या जगह पड़ती है वो कोक्सर, कोक्सर में से स्पीति का रास्ता बंद हो गया, बट ठीक है आज के डे की स्टार्टिंग ठीक थी, कोई बात नहीं है, देखो सब चलता रहता है। सो उसके बाद मैं आया किंगल, किंगल जो नारकंडा से नीचे पड़ता है, आज डे की शुरुआत जहाँ से की थी हमने। सो आज हालांकि हमारी जो डिस्टेंस थी वो थी नाको, हमारा प्लान ये था कि हम चितकुल आएंगे, चितकुल को वापसी नीचे उतर के नाको पहुँचेंगे जो कि यहाँ चितकुल से है 149 किलोमीटर के आसपास, बट रास्ते की वजह से नहीं कर पाए। सो कोई बात नहीं यार, अब कल करेंगे ट्राई, यहाँ से निकलेंगे जाएंगे आगे। वैसे कल का हमारा जो वह वो आपको अगली वीडियो में पता लगेगा, क्योंकि हर डे रोज यही हो रहा है कि मैं बोल देता हूँ कि आज वहाँ पहुँचेंगे, हो नहीं पा रहा है, चलता रहता है, कोई बात नहीं। तो ट्राई करेंगे कि कल जो डिस्टिनेशन है हमारी काजा, बाकी आपको अगली वीडियो में देखने के लिए पता लग ही जाएगा। सो अगर यार आपको ये वीडियो थोड़ी भी